अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं भी शॉर्टली एक जगह ब्रेक लगाई थी, तो मैंने कहा जल्दी से एक ज़रा आपके लिए एक वीडियो बना दें, क्योंकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी ईद से पहले, लेकिन वो मेरा जो एडिटर है, बंदा जिसे मैं एडिट करवाता हूँ, वो ईद की छुट्टियों पे ज़रा उनको था, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। लेकिन आज मैंने शामी भाई आपकी एक वीडियो देखी है, तो मुझे ज़रूर उसका रिप्लाई देना है, और बिना वक्त ज़ाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। दूसरी एक दो चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा, ठीक है? मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, और बिना प्रूफ के मैं कुछ बात करता नहीं हूँ। आप लोगों को पता है, ये पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें कुछ चीज़ें मैंने पॉइंट आउट की थी, लेकिन वो वीडियो मैंने भी रोकी हुई है, क्योंकि उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस मुझे मिल गए थे, जो ये जो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करते थे और फिर उसको लोगों को उल्टे सीधे जो वर्डिंग यूज़ करते हैं। शामी भाई, आपने मेरे बारे में आज बड़ी बड़ी बातें की, झगड़ा आपका किसी से, गुस्सा कहीं पे, बात किधर की, मतलब कहते हैं ना, सवाल चना जवाब गंदम, आप ऐसे दे रहे हैं, पता नहीं आपके जहन में क्या चल रहा है, ठीक है ना। एनीवे, आपने मेरे बारे में बोला कि अमेरिकन ट्रक ड्राइवर मुनाफिक है, और आपने ये बोला कि इसका अपना कोई चैनल नहीं। आज मैं आपको अपने चैनल का लिंक भी दिखाऊंगा, और आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं कितने अरसे से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। ये ना ऐसा आप इनोसेंट सा कोई बंदा आपके सामने आ गया, अगर कोई बात कर रहा है कि मैं अपने चैनल का आपको लिंक कभी नहीं दिया, मैंने कब दिया आपको? कभी नहीं दिया ना। आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मेरी जो फॉलोइंग है वो कितनी है, और मैं कितना अर्न करता हूँ वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, ठीक है। हर महीने की 21 तारीख को 22 तारीख को मैं अभी बैंक नहीं भागता, ठीक है, वो भी आपको पता है कौन 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 जाते हैं। अच्छा, एनीवे शामी भाई, ये पहले ऊपर आप देखें कि लिंक आपको एक आ रहा है, ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, और 447,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ज़रा दोबारा फिगर मैं आपको काउंट करा देता हूँ, 447,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, और इसके अलावा ये मेरा 1.5 साल से चैनल चल रहा है, मेरी ये ट्रैकिंग की इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड मेरे चैनल है, और मैं एक हफ्ते में एक वीडियो उसको शॉर्ट करता हूँ, उसको शूट करता हूँ एक हफ्ते में, क्योंकि जब अमेरिका से हम कनाडा, कनाडा से अमेरिका जाते हैं, तो पूरे वीक का जो ट्रिप होता है, हम उसको शॉर्ट्स डे लेके उसको फिर हम अपने जो सॉफ्टवेयर हाउस है हमारा कराची में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहरहाल वो हमारा प्रोफेशनल एडिटर है, उसके अंदर म्यूज़िक वगैरह सब कुछ ऐड करके हम लोग वीडियो अपने यूट्यूब पर डालते हैं। और एक और मैं आपको भी शॉर्ट अभी दिखाता हूँ, ये वीडियो मैंने ऐसे कोई 18 घंटे पहले अपलोड की है, और इसका भी व्यूअर माशाल्लाह 100,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, ठीक है। एनीवे, मुझे आज मजबूरन अपने चैनल के बारे में बताना पड़ा। और ये जो आप बात ने आपने एक और बात बोली कि अमेरिकन ट्रक ड्राइवर मिनते कर रहा होता है कि चैनल पर वीडियो डालो, यही बोला ना? अब सुनो मेरी बात, तुमने जो बोलना था बोल लिया, अब जवाब देना तो मेरा हक भी बनता है और राइट भी बनता है, चाहे तुम इसका माइंड करो ना माइंड करो, वो मुझे उसका कोई नहीं। ये पेपर मैंने किसी और रीज़न से रखा है, ये ना समझना कि मैं इसे पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ये पेपर यहीं पढ़ा है और मैं यहीं से उठा के अभी तुम्हें इस पेपर के मतलब ही बताऊँगा। अच्छा, तुमने ये बोला कि ये मिनते करता है, ठीक है, पहले तो तुम उनको जाके पूछो जो ये मिनते जो अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, पहले उनको पूछो, फिर उसके बाद मेरे पे आके क्रिटिसाइज़ करना। तुम्हारा झगड़ा नानों से है, नानों के सन इन लॉ से है, भाई मुझे बीच में क्यों अंदर घसीट रहे हो? क्वेश्चन, क्या आपकी रीज़न बनती है किसी पे आप तो मत लगा दो। नानों ने 50,000 मांगे, 50 करोड़ मांगे, 50,000 मांगे, आपको तकलीफ़ क्या है? नहीं, उनको उन्होंने फिर बाद में क्लियर कर दिया, कोई उनके नाम अली के नाम को कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, उन्होंने अपनी क्लैरिटी दे दी, तो तुम उस पर जाके क्यों इतना उछल रहे हो, फुदक रहे हो? मुझे ये तो समझ, मुझे तो बताओ ना, तुम्हारी क्या रीज़न बनती है? या तो तुम्हें व्यूअरशिप नहीं मिल रहा। मैं आज एक और चीज़ बता दूं, बहुत से लोग जो पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, एक पाकिस्तान में एक ड्रामा चला था PTV पे, शायद किसी को याद भी अब हो, उसका नाम था धुआं। उसके जो राइटर थे, उसके जो हीरो थे, बहुत सारे फेमस एक्टरों ने काम किया, तो उसमें एक थे आशिर अजीम। आप YouTube पर जाके आशिर अजीम लिखो,
मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, टोरंटो के अंदर, कनाडा के अंदर ट्रक चला रहे हैं, एंड ही वॉज अ CSS ऑफिसर। वो कस्टम में रह चुके हैं, जाके उनकी अगर तुम्हें यूट्यूब पे जाके गूगल पे उनका नाम ही लिखो तुम्हें सारी हिस्ट्री खुल जाएगी। वो उनका चैनल और मेरा चैनल, उनके चैनल का भी मैं तुम्हें शॉर्ट ऊपर दे रहा हूँ, 174,000 तो इनके फॉलोशिप है, ठीक है, और मेरी कितनी है, 447,000 मेरी है। मैं सिर्फ जो ये वीडियोस बनाता हूँ, जो ये रोस्टिंग से रिलेटेड या कोई गलत चीज़ देखूँ तो फिर उसको मैं अपने चैनल पे नहीं डालता ऐसी चीज़ें। मैं दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ऊपर आने का, उनको मैं दे देता हूँ, वो खुद मांगे तो। मैं कोई वीडियो किसी के लिए मैं मिनते नहीं कर रहा होता ना, मुझे मेरे फ़ोन पे अभी भी कम अज़ कम मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, मोर देन 1, 2, 3, 4 ये चार तो आज के मैसेज आए हैं कि जो ये मुझसे मेरी वीडियो मांग रहे हैं, ठीक है। पहले तो तुम जाके वो अपनी बात को, तुम्हारी ये बात झूठ साबित हो गई, ठीक है। और दूसरा तुमने क्या बोला कि मुनाफिक हो, क्या मैंने मुनाफिक किया तुम्हारे साथ? अब मैं तुम्हारी असलियत बताता हूँ। शामी साहब, आपने मुझे आज से ठीक हफ्ता पहले मुझे मेरे ख्याल 4 कॉलें मारी मिस बेले। मैं आपका स्क्रीन शॉट भी कहो तो किसी को चाहिए होगा तो मैं इनको दिखा सकता हूँ। आपने बोला कि भाई साहब क्या चल रहा है, मैंने क्या अर्ज किया, मैंने तुम्हें क्या बोला कि मेरे से जो भी प्रॉब्लम हो मेरे से डायरेक्ट बात किया करो, लोगों की बातों पे, ये जो तुम्हें लोग मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सुनाते रहते हैं वो भी मुझे पता है, ठीक है। और ये जो लोग अब एक है ना, वो एग्जाम्पल है, बिल्ली 100-100 चूहों खा के हज को चली, वो वाला काम भी अब लोगों ने शुरू कर दिया है, वो भी मुझे पता है। लेकिन जो लोग तुम्हें ये कह रहे हैं, तुम जरा, मैंने तुम्हें क्या बोला, वो जो तुमने मुझसे वीडियो मंगवाई, तुम्हें पता कौन सी वीडियो मंगवाई थी ना, तुम्हारा सेंट मैसेज अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तुमने कहा, और वो तुमने वीडियो लगा भी दी अपने चैनल पे, मैंने उस वीडियो पे जरूर रिएक्शन किया था क्योंकि वो वीडियो एक फैमिली व्यूअरशिप के लिए अच्छी नहीं है, तुम्हें पता उस वीडियो में क्या है, ठीक है। तुमने अली फयाज का अगर गुस्सा ऐसी जगह पे निकाल रहे हैं तो भाई फर्क तुम में और उसमें क्या रह गया। वीडियो पे मैंने जरूर बोला था कि यार ये वीडियो एक फैमिली व्यूअरशिप जो तुम्हारी बनी है उसके लिए अच्छी नहीं है, बड़ी उसमें वल्गर, उसमें अब्यूज वर्ड्स यूज हुए हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि बराए मेहरबानी, मैंने जिसको कहा उसने तुम्हें रिकॉर्ड करके सुना दिया जिसकी वजह से तुम ये बात बोल रहे हो, ऐसे ही बोला। मैंने कब तुम्हारे बारे में बोला कि मैं कोई इधर की बात इधर की बात, और मैं ये फफे कुटियों का काम नहीं करता, ये जो करता है ना तुम्हें भी पता है, अंडरस्टैंड। और दूसरी बात तुमने क्या बोली कि मुनाफिक है, ये है, वो है, जो भी तुमने बोला मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं अपने चैनल पे काम करता हूँ और मुझे ये तुम्हारा गन बना का जो रोला है ना, तुम एक रोलिंग स्टोन की तरह कभी उसकी साइड ले कभी, या अगर दुश्मनी रखनी है एक बंदे से रखो, दोस्ती भी रखनी है तो उससे अच्छी तरीके से रखो, ये रोलिंग स्टोन की तरह। फिर वो तुम्हारी वीडियो जब आई थी रोने वाली कि मेरा चैनल हैक हो गया, आज मैं तुम्हें बताता हूँ चैनल हैक क्या हुआ था, मेरे पास पूरे एविडेंस है और पूरे एविडेंस तुम्हें अभी दिखाता हूँ। ये दो पेपर्स हैं, अगर कोई ये बंदा अगर मैं कहो तो मैं इसका स्कैन करके भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये मेरे पास प्रिंट आउट है, ये ईद से पहले का है, जिस ईद के दूसरे दिन, गालिबन पहले या दूसरे दिन की होगा, जिस पे अली साहब, अली वीर आके चैनल पे बोलते हैं कि मेरा चैनल का नाम को यूज कर रहा है तो वो मैं नहीं हूँ, उसकी रिपोर्ट करें, उसके 4 साल पहले उसको वो चैनल बनाया, ऐसा ही हुआ था जब तुमने भी बोला था, फिर वो यानों ने बोल दिया कि अली का नाम को यूज कर रहा है। मैं आज आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, शायद आप लोग तो पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं, मेरे कुछ लिंक्स भी हैं और मैं अपने लिंक्स कभी ऐसे आउट नहीं करता कि, और लेकिन मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऐसे लिंक्स यूट्यूब के अंदर है, मैं बंदे का पता करा लेता हूँ बंदा किस कैटेगरी का है। अली वीर का ये चैनल का नाम लिखा हुआ है, अगर मैं आपको इसका स्कैन करके लगा दूंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। अली वीर ने बोला था कि मेरे चैनल को कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये दूसरा चैनल है अली वीर का ही है जिसके बारे में वो रिपोर्ट कर रहा है, 4 साल पुरानी, वाकई सही बात कर रहा है, 4 साल पुराना किसी ने बनाया है, हो सकता है अली ने बनाया हो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो असल चीज़ है, IP एड्रेस सेम वहीं का आ रहा है जहां पे अली वीर बैठा अपने कमेंट्स कर रहा है या किसी चीज को प्यार भरा साइन भेज देता है,
और दूसरी जगह जो अलीवीर का फेक्स जो आईडी है, जो अलीवीर के बकौल किसी ने बनाया हुआ है, उसका आईपी एड्रेस भी सेम है। भाई बेवकूफ किसको बना रहे हैं आप, किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? ये दुनिया इतनी, अब वो ना समझे कि ये आपके वो बेचारे मासूम सी दुनिया पाकिस्तान में बैठी है, वो आपके झूठ शायद समझ लेगी, लेकिन हमें नहीं बना सकते, ठीक है। और आईपी एड्रेस लोकेशन कहाँ की है, पंजाब लिया पाकिस्तान, ये आपको गूगल मैप से उसकी आईपी एड्रेस आ रही है, ये है पंजाब लिया पाकिस्तान, ठीक है। मतलब कि वो दोनों चैनलों की अली जिसकी रिपोर्ट करवा रहा है उसकी लोकेशन भी सेम आ रही है, ठीक है। और ये मुझे कहां से मिला है, ये क्योंकि मैं जो काम करता हूं एविडेंस के साथ करता हूं और पूरा उसके ठोस के शवाहिद देता हूं, ठीक है। ये मुझे कहां से मिला है ये सारा कुछ, मेरे कुछ अपने लिंक्स हैं इंडिया के अंदर, और वो है गूगल इंडिया। गूगल इंडिया है न्यू दिल्ली के अंदर, गुरगांव उनका कोई एरिया है, गुरगांव हरियाणा, मतलब ये एक्चुअली न्यू दिल्ली के अंदर जगह आ रही है। ये गूगल पूरा यूट्यूब इनकी पूरे पाकिस्तान के भी वो हैंडल्स करते हैं, कोई ऐसी अब्यूज वीडियोज आती हैं या कुछ होते हैं उनको वो रिमूव करवाते हैं, ठीक है। एनीवे मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये नीचे उसके जो गूगल इंडिया का लोगो है मोनोग्राम, इसको हाइड कर देना अगर तुमने दिखाना मिले, लेकिन मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर किसी और को भी कोई मेरी हम कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये साहब अली साहब का तो ड्रामा मैंने आपको बता दिया, इसको तो अभी साइड पे रखो, ये तो मेरे लिए इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है। दूसरी मैं आपसे बात करता हूँ, आप जो इस तरह की लोगों की बातों पे आके मेरे पे आप जो लगा रहे हैं कि उसका अपना चैनल नहीं है, चैनल सुन लिया आज, मैं कभी नहीं आप लोगों को बताया अपना चैनल। और मैं क्यों वीडियोस देता हूँ ये लोगों को, इसलिए देता हूँ कि वो जो प्रमोट होते हैं वो लोगों उस पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको मैं वीडियो कोई अच्छी रोस्टिंग की, लेकिन मैं किसी पे रोस्टिंग करता, अगर मुझे कोई कहता है कि फियाज अली बस ये टॉपिक आप लोगों के दरमियान चले हुए ना, तो अगर इनमें कोई रोस्टिंग करता हूँ लेकिन मैं उसको एक हफ्ता उनकी वीडियोस को देखता हूँ, चाहे आबास वीर की हो जाए, चाहे वो पंजाबी वीर हो गया, चाहे नुसरला हो गया, चाहे गोंगलू मोंगलू हो गया, जो भी आ गए चैनल आप, ठीक है, गोंगलू तोरी भिंडी जो भी आ गए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी चीज़ गलत होगी मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा, चाहे मुझे जो भी मुझे धमकी देता है, मैसेज करता है उस पर देता है, गलत कमेंट देता है, मेरे सर पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। अब्बास वीर को ले लो, वो सारा वो समोसे वाले के पास जाएगा, माशाल्लाह जी मेरे भाई ने बहुत अच्छी दुकान लाई है समोसे दी, और अल्लाह ताला इनू बरकत पाए, ठीक है, इनू भी कैमरा दे दो। मैं कहता हूँ वो समोसे वाला भी एक ना, जहाँ से वो ये खाते हैं समोसे वगैरह, उनको भी एक दे दो। जावेद का मैंने बोला, उसका आज तक वहाँ पे अब कैमरा भी नहीं जाता इनका उस दुकान पे, उनको पता है कि क्या चीज़ चल रही है। तो भाई साहब आप बैठ के ये जो आपको जो कान भर रहा है या भर रही है, आप उसको एक पैगाम मेरी तरफ से दे देना, जो भी ये दे रहा है या दे रही है, पता तो है मुझे, लेकिन मैं ली वो किसी को हाईलाइट करता ये बात अलग है, वो जिसको कह रहा हूँ ना वो सुन भी रहा है सुन भी रही है। वो अगर पहले अली या फियाज पे अगर रोस्टिंग करता था या करती थी और बाद में उसको याद आया ओहो ये तो बहुत ही मासूम से, तो मैं उनके लिए एक पैगाम दे दूं, उन्होंने कोई आपको शॉर्टकट नहीं देना, कोई हेल्प नहीं करनी। अगर आप इतने खैर ख्वाह उनके हो गए हैं अली और फियाज के, आपको याद आ गया हमने तो बहुत गलत किया अली फियाज के साथ, वो अपने चैनल से जितनी वीडियोज बनाई उन्होंने अली फियाज के अगेंस्ट बनाई, उनको रिमूव करो, कोई नहीं करेगा भाई साहब, कोई नहीं करेगा, ये लालची दुनिया है वो कोई नहीं करेगा। मेरे चैनल जिस पे ये मेरा ट्रकिंग का है, इस पे आपको मैं आपको ऊपर स्क्रीनशॉट भी दिया मैंने अपने चैनल का, इस पे 4.5 लाख ऑलमोस्ट मेरे फॉलोअर्स हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो वहां पे किसी को शॉर्ट आउट दे सकता हूँ, आराम से दे सकता हूँ, लेकिन हम लोगों ने कुछ उसमें टेक्निकल चीजें डाली है तो लोग पसंद कर रहे हैं ना, कोई घर से तो नहीं हम पकड़ पकड़ के लेके आ रहे कि भाई हमारा चैनल देखो, और हमने कभी किसी से शॉर्ट आउट भी नहीं लिया। तो बराए मेहरबानी आप जिसके पास कोई एविडेंस नहीं होता वो अपने मुंह को या बंद रखे या शट, या उसको जो माउथ को ना शट कर रखे, ठीक है ना, खामोखा का आप यो अल्जाम लगाने को तैयार बैठे होते हैं, कोई एविडेंस भी दिखाओ। आप तुम्हारा झगड़ा किसके साथ है, नानों के साथ, नानों के बेटे के साथ, ऐसा ही है ना। तो भाई आपको कोई तप्पड़ है तो जो आपके उनके खिलाफ साइबर क्राइम केस करो, ये क्या आपको व्यूअरशिप का। जो एक और चीज जाते जाते, तुमने मेरे से 3 महीने पहले, मैं 3 महीने की डेट बना रहा हूं,
तीन महीने पहले तुमने एक वीडियो बनाई थी मेरे खिलाफ, याद है तुम्हें? और किसके कहने पे बनाया था? और तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह से निचोड़ के उसने उस बंदे ने यूज किया था, किया था। और नेक्स्ट डे मेरा जवाब भी तुम्हें आ गया था वीडियो के थ्रू। आज वो वीडियो तुम अपने चैनल पे खुद जाके देखो, उसके 3,500 व्यूर है, व्यूरशिप है 3.4 है, और मैंने जो तुम्हें रैक किया था उसके 31,000 है। तो 10 टाइम्स तुम्हें लोगों ने मतलब मेरी वीडियो को देख के तुम्हें ही क्रिटिसाइज किया कि ये चीज गलत कर रहे हो तुम। इस तरह व्लॉगिंग नहीं होती कि आए दिन तुम चैनलों के नाम चेंज करो, इधर भागो उधर भागो। मेरे चैनल का नाम एक ही चल रहा है, मैंने कभी नहीं चेंज किया। मैं तो शुगर मेले में इनकी वीडियो देख लेता हूँ, चलो यार कोई चीज इसमें क्रिटिसाइज की होती तो उसको क्रिटिसाइज करता हूं मैं। गोंगलू चैनल आ गया, मोंगलू चैनल आ गया, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? और ना किसी के पास इतना टाइम है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैं जो कुछ अब मुझे नजर आ रहा है, जो कुछ चल रहा है ये सिनेरियो, एंड इंशाल्लाह आई विल बी हाईलाइट। यूके किचन व्लॉगिंग की एक चैनल है, वो डेली अली को और उसको रोस्टिंग करती हैं। उनको जाके बोलो, हिम्मत है तो उनको बोलो। जो उनको रोक रहा है वो भी पता है मुझे, लेकिन मैं उनको सपोर्ट करूंगा जहां तक करूंगा। तो भाई साहब ये थोड़ी सी ना अपने दिमाग को अब खोलो, थोड़े से मैच्योर हो जाओ। ये बच्चों वाले जो हरकतें हैं ना, और ये ट्रक को तुमने मजाक समझ लिया। ट्रक की यहाँ पे किसी को जाके पूछो अमेरिका में कि ट्रकिंग का लाइसेंस ही कितने का मिलता है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो अगर मेरे पे रोस्टिंग करनी है तो मैं इंशाल्लाह रोस्ट भी करूंगा, ग्रिल भी करूंगा, उसको फिर ओवन में डाल के केचप के साथ खाऊंगा भी सही, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जरा ख्याल से बात करना। और मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट कॉल करो। पीछे पिलरों के पीछे लेने की देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर नानों से प्रॉब्लम है, नानों को जाके रोस्ट करो जगह तुम्हें प्रॉब्लम है। वैसे तो मुझे कई लेडीज ने मुझे गलत कमेंट करती हैं, कुछ हैं एक दो, मैं उनके बिल्कुल हाईलाइट भी नहीं करूंगा उनके नाम, क्योंकि मैं औरतों पे हाईलाइट कोई रोस्टिंग नहीं करता। लेकिन जो कोई करेगा वो खाएगा, समझ गए? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट फॉर टैट, अंडरस्टैंड? एनीवे खुश रहो, मेरा पॉइंट तुम्हें समझ आ गया, और इंशाल्लाह अब तुम्हें पता चल गया कि मेरे चैनल का। और ये नेक्स्ट टाइम जरा ख्याल करके बात करना, मैं किसी को चैनल अपना हाईलाइट नहीं करता। मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है ना ट्रैफिक ही और तरह की है। मैं उसमें अगर किसी को दो मिनट का भी एक मिनट का भी शॉर्ट आउट दे दूँ ना तो समझ लेना क्या हो जाता है, लेकिन मैं ये काम करता नहीं हूँ तुम्हारी तरह। एनीवे खुश रहो, और अब तुम क्या बोलोगे मैं बताऊँ? बताऊँ? तुम बोलोगे भाई हम क्या करें, आपके 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं, हम क्या करें? दैट्स योर आंसर नेक्स्ट। और एक और जाते जाते, अली और फियाज जिस दिन तुम्हारे पास आ गए उकाड़ा, शामी भाई हमें माफ कर, गले मिले, तुमने जप्पियां पप्पियां सब लग जानी है और तुम लोगों ने एक हो जाना है, दैट्स योर नेक्स्ट स्टेप। मैं तुम्हें एक बता दूं, वो 40,000-50,000 भी फॉलोअर्स उनके है ना, तो इतने तुम उनके पीछे गिर रहे हो। मैंने आज तुम्हें अपना अगर दिखा दिया है ना कि मेरे अगर 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं, तो मैंने अपनी 1.5 साल की वर्किंग में बनाए हैं। मैं हफ्ते में एक वीडियो बनाता हूं और एक वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से उसको एडिट कराता हूं, एक सॉफ्टवेयर कंपनी से उनकी सर्विसेज मैं लेता हूं, और फिर वो वीडियो अच्छी तरह एडिट होकर एक प्रोफेशनल वे में जाके मेरे चैनल पर अपलोड होती है, अंडरस्टैंड? अब कोई चैनल पे अगर मेरे बारे में अगर तुमने अब फिर कुछ बोला तो शामी साहब बहुत, ये भी एक नई वार शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आप खुद मेरे मेखल पॉइंट समझ गए हो। जो मेरी वीडियो लगाते चैनल पे उनको पहले पूछो कि भाई साहब मैं आपको घर से लेके आता हूँ कि मेरी वीडियो लगा दो, या उनके पासवर्ड मैंने रखे हुए कि मैं अपनी वीडियो उनके चैनल पर लगा देता हूँ। आंसर दो, कोई आंसर नहीं है। मुनाफिक किसी और को बोलना जो तुम्हारे साथ जो कर रहा है, मुनाफिक वो लोग हैं जो हैं वो तुम्हें भी पता है, समझ गए हो? चलो एनीवे खुश रहो। और ये मैंने अली का आप लोगों को बता दिया है, वो जो चैनल की बात कर रहा था ये मुझे गूगल यूट्यूब से ये चीज़ मुझे, मेरे कुछ लिंक्स हैं, मैं उनको इंशाल्लाह इनको मैं बस स्कैन करके लगा दूंगा, फिर देख लीजिएगा कि ये लोग ड्रामाबाजी क्या करते हैं। आईपी एड्रेस से 2 मिनट बंदा चेक हो जाता है भाई, ठीक है? एनीवे खुश रहिए,
अल्लाह हाफिज़।